कौन सा ऐसा रुका हुआ काम है जो नहीं होगा, कौन सा ऐसा काम है जो नहीं होगा। दुनिया का हर काम दौड़ने लगेगा। कई लोगों का ऐसा है, कितना ही मेहनत करो तो सिद्धि नहीं मिलती है, श्रेष्ठ नहीं बनते हैं, याददाश्त की कम रहती है, फुर्ती नहीं रहती है, सर्वोत्तम नहीं बन पाते। इसका कारण है कि उनके जन्म कुंडली में और शरीर में सूर्य तत्व कमजोर होता है। इसके लिए दक्षिण भारत में जो चाइना के बोधि धर्म कहे जाते हैं, चाइना के बोधि धर्म, बहुत बड़े बोधि धर्म, योग साधना सिद्ध पुरुष बोधि धर्म जो चाइना के हैं, ये दक्षिण भारत के तमिलनाडु से गए हुए 18 सिद्ध पुरुषों में एक पुरुष भोग सिद्ध है, उन्हीं को चाइना में बोधि धर्म कहते हैं। वो आज भी दक्षिण भारत के तमिलनाडु के कार्तिकेय भगवान का पलनी मंदिर जो है, उस मंदिर के नीचे के गुफा में जीवित बैठे हुए हैं और मां साधना कर रहे हैं हजारों सालों से। यही चाइना के बोधि धर्म है। ये बोधि धर्म ने एक बहुत बड़ी विद्या सिखाई है। ये सिद्ध पुरुष द्वारा दिखाया गया मुद्रा है, कोई साधारण मुद्रा नहीं है। एक सिद्ध पुरुष महापुरुष जो हजारों सालों से जीवित है चाइना में, जिन्होंने जाके बोधि धर्म बन के विभिन्न सिद्ध रहस्यों को, योग साधनाओं को दुनिया को दिया, वापस दक्षिण में आके तमिलनाडु के कार्तिकेय भगवान का जो मंदिर है पलनी, उसके नीचे की गुफा में बैठ गए साधना में, और आज भी वो गुफा बंद है, अंदर वो बैठे हुए हैं। पूरे दक्षिण के लोग जानते हैं इस बात को। ऐसे बोधि धर्म ने एक सिद्ध विद्या बताई है कि सुबह बराबर सूर्योदय के समय उठो, सूर्योदय हो रहा हो उस सूर्य को देखना चाहिए आपको। बहुत सिंपल है, एक सिद्ध पुरुष की बताई हुई दिव्य मुद्रा आपको बता रहा हूँ, बहुत सिंपल है। उस मुद्रा में ऐसा है कि आप अपने चीमनी हथेली पर डाबे अंगूठे को रख के, चीमनी हथेली पर डाबे अंगूठे को रख के उसको बंद कर लीजिए। कितना सिंपल है, क्या बहुत तकलीफ है? ऐसे कर लीजिए, चीमनी हथेली पर डाबा अंगूठा रखा, बंद कर दिया, ऐसे हृदय पर रख के सूर्य उदय के समय जाके सूर्य को देखिए। एक 48 मिनट ऐसा करिए। कौन सा ऐसा रुका हुआ काम है जो नहीं होगा, कौन सा ऐसा काम है जो नहीं होगा। दुनिया का हर काम दौड़ने लगेगा जब आप सूर्योदय के समय उठ के ऐसे करके सूर्य को देखोगे। आपके हृदय में सूर्य तत्व स्थापित हो जाएगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, बोधि धर्म सिद्ध संत बोल रहे हैं जो हजारों सालों से दक्षिण के गुफा में बैठ के साधना कर रहे हैं। ये उनका बताया हुआ मुद्रा है कैसे करना। लेकिन इसके लिए सूर्योदय के समय तैयार रह के जो उदय हो रहा है सूर्य, उसको देखना पड़ेगा। कितनी देर करना? 48 दिन 5 मिनट तक करना। सूर्योदय के समय वहां पहुंच जाना, रविवार को, कोई भी रविवार को शुरू करना, संडे, और 48 डेज तक करना। कितने दिन बेटा? 48 दिन। कौन सा समय? सूर्योदय के समय उठ जाए तो आधा तो भाग्य खुल जाए, और बाकी भाग्य तो ये करने से खुलेगा। हथेली कैसे ध्यान से सुनती है मेरी बच्ची, ये देखिए कि ये जीवना हथेली सीधा करें, डाबा अंगूठा उसमें रखें, इसको ढक दें और इसको ऐसे पकड़ें और इसको हृदय पर लगा के सूर्य को 5 मिनट देखें। कुछ नहीं मंत्र बोलना, सूर्याय नमः, वो कुछ नहीं है, खाली ऐसे पूर्व दिशा की ओर मुख करके जहां से सूर्य निकल रहा 5 मिनट उसको देख के प्रणाम करके आ जाएं। 48 दिन ऐसे करें, आपका शरीर कांति से चमकने लगेगा, प्रकाशित हो जाएगा, ऐसा तेज आपके शरीर में आएगा, जीवन सफल हो जाएगा।